भाई कैसे हो? सब बढ़िया। तो गाइस बहुत टाइम के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मुझे पता है कि अभी से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कुछ रीजंस थे इसीलिए, पर हाँ ये इससे अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है। जी हाँ गाइस, दशहरा आने वाली है, तो दशहरा में हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर है उसको तो पता ही होगा कि हमारे चैनल की प्रथा है, ठीक है, कि हम दशहरा में कुछ बहुत धमाकेदार करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो गाइस इस साल भी हम रावण बनाने वाले हैं और कुछ हमने नया सोचा है रावण का बनाने का, मेकिंग का पूरा तरीका। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको रावण दिखाता हूँ। कहाँ गया बे रावण? ओ इधर रहा, यहाँ पर है रावण भैया जी। रावण जी का क्या है बे? सबको दिखाना जरूरी है क्या तुझे? सबको दिखा दे तू, बेइज्जती करवा रहा है मेरी। ये रहा भाई हमारा रावण। तो गाइस देखो इस साल हमने कुछ इस टाइप का रावण बनाया है, तो आप देख सकते हो। चलिए पूरी प्रोसेस आप देखो। यहाँ पर अगर चैनल पे नहीं हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों हमें उसके लिए चाहिए एक पेपर की शीट कुछ इस तरीके से, और एक गोल्डन पेपर शीट आप देख सकते हो, और साथ में एक ग्लू गन, और साथ में चाहिए ये कुछ कलरिंग शीट्स आप देख सकते हो, साथ में थोड़े से कलर, थोड़ी सी स्केच पेन, साथ में फेवी क्विक वाटर कलर के ये ब्रश, ये फेवी कॉल, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा रावण बनाने का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ले लेते हैं पेपर की शीट, उसमें जो पूरा हमें राउंड का स्ट्रक्चर बनाना है वो स्केच हम बना लेते हैं कुछ इस तरह, ये आप देख सकते हो। अभी हमें सिंपली उसको कट कर देना है, जैसे कि हमने ये स्केच बना रहे हैं पूरा उसको हम कट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह। ये आप देख सकते हो हमने ये कट कर लिया है, राउंड का जो हमने जो पूरा स्ट्रक्चर बनाना है वो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो। इसमें मैं क्लियरली आपको दिखा रहा हूँ। अभी सिंपली हम एक टेप का इस्तेमाल करेंगे इसको पूरा जोड़ने के लिए कुछ इस तरह, ये आप देख सकते हो हमें किस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, ये आपको हम दिखा रहा हूँ मैं कुछ इस तरह। हमने कुछ जोड़ दिया, अभी सिंपली इसके जो एक्स्ट्रा कोर के पार्ट होते हैं वो सारे हम कट कर देंगे। अभी रावण के दोनों हिस्सों को हम अच्छे तरीके से जोड़ देंगे टेप की हेल्प से, ये आप देख सकते हो। अभी हम एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेंगे जो कि हमें जो रावण के जो पैर और ऊपर का जो सर है ना वहां पर जोड़ना है, उसके लिए हम इसको कट कर देंगे कुछ इस तरह, ये आप देख सकते हो। अभी रावण के जो दो पैर हमें लगाने हैं उसके लिए सर्कल पूरा कट कर देंगे कुछ इस तरह, ये आप देख सकते हो। फिर उसके ऊपर हम पैर उसके जोड़ देंगे नए कार्डबोर्ड के बनाकर। तो दोस्तों अभी हम बनाएंगे रावण के पैर, उसमें भी कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरह, कैसे ये हम कार्डबोर्ड के पैर बना रहे हैं, फिर उसमें जो एक स्टेपलर का हम यूज़ करेंगे जोड़ने के लिए, आप देख सकते हो। इन दोनों पैरों को हम फेवी क्विक से जोड़ देंगे कुछ इस तरह। तो दोस्तों अभी हम रावण के सिर का हिस्सा बनाएंगे कुछ इस तरह। अभी ये उसकी गर्दन के लिए हमें छोटा सा टुकड़ा कार्डबोर्ड का ले लेना है, वो कुछ इस तरीके से बना देना है, फिर उसके ऊपर हम छोड़ेंगे रावण के सर को, ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह रावण का सर बनेगा। Thank you.
अभी हम कार्डबोर्ड के टुकड़े को लेंगे उसके रावण के हाथों के लिए, उसके हाथ हमें बनाने हैं, तो सेम तरीके से हम उसके हाथ भी बना लेंगे जैसे कि हमने पैर बनाए थे स्टेपलर की हेल्प से, और साथ में हम ग्लू गन ले लेंगे उन दोनों हाथों के जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाना है उसको जोड़ने के लिए। आप देख सकते हो दोस्तों, अभी हमने रावण का सिर, उसका शरीर, उसके हाथ और उसके पैर बना दिए इस तरह से, ये आप देख सकते हो। दोस्तों भी बारी आती है रावण के सिर के मुकुट की, ये आप देख सकते हो। कुछ गोल्डन पेपर हम लेंगे, कुछ इस तरीके से उसको कट कर देंगे हम अभी उसको रावण के सिर के ऊपर लगाने के लिए। अभी साइड में उसके जो 10 सिर है वो भी हम बना लेंगे, एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे कुछ इस तरीके से उसको कट कर देंगे। ये आप देख सकते हो सभी सिर के, उसके भी मुकुट हम बना रहे हैं कुछ इस तरीके से, पूरा इस तरीके से हम उसको जोड़ देंगे। फिर स्टिक से भी आप जोड़ सकते हो या फिर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। फिर बारी आती है कलर की, ठीक है, तो उसके पूरे शरीर के ऊपर ऊपर हमने एक ब्लू कलर कर रहे हैं और नीचे हम डार्क ब्लू कलर करेंगे। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो आप कर सकते हो घर पे जब आप बना रहे हो तो। आप देख सकते हो मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है तो दोनों ये कलर का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। फिर सिर के ऊपर भी हम उसके जो स्किन का कलर होता है वो हम उसके ऊपर कर देंगे। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। उसकी अभी हमें आँखें बनानी है, साथ में ये सिर भी हमने जो बनाए हैं उसके 10 सिर उसमें भी कलर कर देंगे इस तरीके से। अभी साथ में हम पैर लेंगे, उसमें भी हमें जो कलर करना है वो उसको मैं ब्लैक करने वाला हूँ, तो ये हमने ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके। अभी हम रावण की आंखें बना रहे हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। और हमने आँखों के ड्राइंग ड्रॉ करने के बाद उसके जो नाक होता है वो भी हम बना लेंगे, एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे कोई भी ले सकते हो, और उसके कुछ इस तरीके से उसका नाक भी हमने बना दिया कुछ इस तरीके से। और साथ में आँखों में हम स्केच पेन का यूज़ करेंगे ब्लैक कलर की, आप देख सकते हो क्लियरली उसकी आँखें हमने बना दी है। अभी हम उसकी मूँछें बनाएंगे, जो रावण की मूँछ थी उसकी वो हमने बनानी है, तो उस मूँछ का मैंने ड्राइंग बना दिया है। फिर उसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे, उसके ऊपर कलर करने के लिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। अभी जो हमने 10 सिर बनाए थे उसमें भी हम उसके सिर सारे अच्छी तरीके से बना देंगे कुछ इस तरह, आप देख सकते हो। अभी जो हमने मूँछ बनाई थी वो आप फेस्टिक या तो फिर फेकविक से आप जोड़ सकते हो, मैंने फेकविक का इस्तेमाल किया तो उसका पूरा सर हमने बना दिया कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। फिर उसकी आँखों के अंदर हम वाइट कलर फिल करेंगे ताकि रियलिस्टिक लगे हमें इसलिए। फिर अभी बात दोस्तों आती है कुछ क्रिएटिविटी की, आप अपने हिसाब से क्रिएटिविटी कर सकते हो। मैंने उसके दोनों दांत बना दिए राक्षस की तरह, अभी उसका मैं मुकुट लगा रहा हूँ कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। और उसमें भी हमने दो सिंग बना दिए जो कि ब्लैक कलर के मैंने बना दिए, ये अब क्रिएटिविटी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अभी ये मैं उसके सारे सिरे वो भी जोड़ देने, रावण का पुतला हम बना रहे हैं वो पूरा रियलिस्टिक लगे इसलिए हम उसके पैरों में और डिटेल्स ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। मैंने कुछ मुझे इस तरीके का अच्छा लगा तो मैं ये ट्राई किए, ये भी आप कर सकते हो। अभी बारी आती है रावण के 10 सिर की, कुछ इस तरीके से हम उसको कनेक्ट कर देंगे, देख सकते हो आप। अभी रावण के शरीर के ऊपर हम पूरा कुछ और नए नए क्रिएटिविटी करेंगे, उसके पूरे जो कपड़े हैं उस इस तरीके से हम सजा देंगे ताकि थोड़ी और उसमें क्रिएटिविटी हम ऐड कर सके। अब देख सकते हो कुछ और तरीके से अच्छे से उसका पूरा स्ट्रक्चर लगे। अभी उसके हाथों में हम डार्क ब्लू कलर करेंगे, फिर उसके जो तलवार और उसकी ढाल होती है वो भी हम बना लेंगे कुछ इस तरीके से और उसको जोड़ देंगे। फिर अभी बारी आती है उसके हाथों को कनेक्ट करने की, इसलिए हमने जो उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर सर्कल होल कर देंगे और उसके हाथ हमने दोनों ज्वाइंट करने इसीलिए कुछ इस तरीके सर्कल कर दिया, और उसके हाथ भी हम ज्वाइंट कर देंगे कुछ इस तरीके से फेविक्विक की हेल्प से हम करेंगे। तो दोस्तों भी बारी आती है फाइनल स्टेज की, तो उसके जो हमने पैर बनाए थे वो मैं फेविक्विक या तो फिर ग्लू गन से उसको कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो मैंने ग्लू गन का भी इस्तेमाल किया और फेविक्विक का भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसके हाथ भी मैंने ज्वाइंट कर दिए। फिर अभी उसके सर में कनेक्ट करूंगा पूरे शरीर के साथ, मतलब उसको भी मैं फेविक्विक या तो फिर ग्लू गन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। तो गाइज हमारा रावण बन के बिल्कुल ही रेडी है, आप देख सकते हो। तो गाइज अभी बारी आती है पटाखों की,
तो हम कुछ पटाखे लेकर आइए हैं, इसको जलाना भी तो है, बाद में दहन भी तो करना है, ठीक है। तो कुछ ये टाइप के पटाखे इसके अंदर मैं जो फिलअप करने हैं, ठीक है, अभी इसके अंदर हम सारे ही पटाखे डाल देंगे, कुछ इस टाइप के, ये आप देख सकते हो। तो गाइज हमारा रावण बिल्कुल ही रेडी है दहन के लिए, हमने जो भी पटाखे थे वो सारे इसके अंदर फिलअप कर दिए, ठीक है। तो अभी बारी आती है रावण दहन की, रावण दहन का वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दो, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और हमने अगले साल भी हमने जो रावण बनाया था पूरा और उसका दहन भी जो किया था वो भी आप देखना चाहते हो तो यहाँ और यहाँ क्लिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।